हेलो एवरीवन, आई एम रविंदर पाठक फ्रॉम बोजोन मेडिटेक एजुकेशन कंसल्टेंट। गाइस, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हरप्रीत, और इन्होंने MBBS स्टडी अपनी यूक्रेन से की है। इन्होंने MCI एग्जाम भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। आप मुझे ये बताइए, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके मन में ये कंसर्न होता है कि उनकी डॉटर है और डॉटर को वो यूक्रेन से MBBS स्टडी कराना चाहते हैं, तो यूक्रेन फीमेल स्टूडेंट्स के लिए कितना सेफ और सिक्योर है? यूक्रेन अभी तक जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत सेफ कंट्री। वहाँ पे फीमेल रेशो ही बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे सारी फीमेल्स या मेल्स बहुत कम है, तो ये मतलब क्वेश्चन नहीं है कि वहाँ पे फीमेल सेफ नहीं है। तो मतलब लड़कियों के लिए तो बहुत सिक्योर है, चाहे आप रात को 12 बजे जाओ चाहे कितने बजे भी जाओ, कोई वो नहीं है। पुलिस बहुत है वहाँ पे, सिक्योरिटी बहुत है, तो ये तो इशू नहीं है कि वहाँ पे लड़की सेफ नहीं है, पहली बात। ऊपर से वहाँ पे मतलब जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है वो भी सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, हॉस्टल्स बहुत सेफ़ हैं, फ्लैट्स भी बहुत सेफ़ हैं, लाइक हर जगह सिक्योरिटी है, तो डरने वाला इशू नहीं है। और खुद बच्चे में भी थोड़ा होना चाहिए, तो डरने का नहीं है। अगर लाइक देखिए, फर्स्ट ईयर में हॉस्टल कंपलसरी होता है ना आप लोगों का, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स कुछ स्टूडेंट्स मूव कर जाते हैं फ्लैट्स और अपार्टमेंट में, तो अगर हम हॉस्टल कंपेरिजन फ्लैट्स और अपार्टमेंट कितना सेफ है? या फिर हॉस्टल भी सेफ है और अपार्टमेंट भी सेफ है, वहाँ पे ये नहीं है कि लाइक फ्लैट सेफ नहीं है। मैंने खुद लाइक थर्ड फोर्थ ईयर में फ्लैट में रही हूँ, तो वहाँ पे ये है कि बस फ्लैट में कुछ ज़्यादा मतलब अच्छा होता है रहने के लिए, हॉस्टल इसमें अच्छे नहीं होते हैं, तो इसलिए बच्चे फ्लैट में मूव कर जाते हैं। बट सेफ दोनों ही होते हैं। हॉस्टल्स में ये होता है कि आपके जो एजेंट है वहाँ पे वो थोड़ा देखते हैं, बट फ्लैट में कोई देखता नहीं। बट जो वहाँ पे ओनर्स होते हैं वो खुद आके चेक करते हैं, तो ये नहीं है कि फ्लैट सेफ नहीं है। मतलब लाइक अगर हम हॉस्टल में रहें या फ्लैट में रहे अपार्टमेंट में, अगर सिक्योरिटी सेफ्टी का कंसर्न है तो सेम है। अगर ऐसा नहीं, तीनों सेम है, ये नहीं है कि लाइक हॉस्टल सेफ है और अपार्टमेंट सेफ नहीं है। वहाँ पे मतलब कि बहुत पहले मेन एंट्रेंस होगा, फिर दूसरे ऐसे बहुत सिक्योरिटी चेक्स है, फिर आप अपार्टमेंट के अंदर जा सकते हैं। नेशनलिटी के नाम पे कोई रेसिज्म वगैरह या कुछ भी है वहाँ पे? रेसिज्म ऐसे नहीं है कि अगर आप मतलब आपके साथ डायरेक्टली आके वो रेसिज्म करेंगे, वो आपको कुछ नहीं कहते। वहाँ पे आप अपनी लाइफ जियो, वो अपने स्पेंड कर रहे हैं। बट अगर आप उनको कुछ प्रोवोक करते हो, फिर तो इंडिया में भी हमें कोई कुछ बोले तो हम उल्टा जवाब देते हैं, तो वो सब वहीं पे है। मतलब आप अपने आसानी से अगर आप अपनी लाइफ में रह सकते हैं, वहाँ पे इजिली स्पेंड कर सकते हैं। रेसिज्म मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ कहते हैं, बट अगर आप उनको कुछ बोलो या उनके साथ कुछ गलत करो, फिर वो रेसिज्म आता है। ओके, मतलब आप अपने आराम से रहो, इंटरफेयर मत करो, वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहे, आप मत करो। सिक्योरिटी और सेफ्टी और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह लाइक हाँ, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन मतलब यूक्रेन में सब जगह मेट्रो है, बसेस हैं, तो इजीली ट्रैवल करने के लिए कि यूनिवर्सिटी से आप इजीली आ जा सकते हैं। और उसके बाद से मेट्रो भी कॉस्टली नहीं है, बहुत ही चीप है मेट्रो यूक्रेन में। और मेट्रो में भी पूरी सिक्योरिटी है, पुलिस होती है हर जगह, और बसेस भी है। लाइक अगर जैसे आप लोगों का क्लिनिकल ईयर स्टार्ट हो जाता है, तो जैसे लेट नाइट आ रहे हैं आप या लेट नाइट कहीं जाना हो, तो कोई ट्रांसपोर्टेशन या इसका कोई कंसर्न तो नहीं रहता? अगर हम जैसे हमारा क्लिनिकल ईयर तो शाम को 7-8 बजे तक क्लास होती है, तो उसके बाद से मतलब आराम से मेट्रो से घर आओ, टैक्सी वगैरह से कोई वो नहीं, प्रॉब्लम नहीं है सिक्योरिटी का। मतलब पुलिस है हर जगह चेक करने के लिए वहाँ पे। और वहाँ पे इंडियन फूड्स वगैरह का क्या है? जैसे कई पेरेंट्स का कंसर्न मेरे पास आते हैं, क्वेरीज होती हैं कि क्या इंडियन खाना मिलेगा या कैसा है, तो ये मतलब ओवरऑल आप मुझे बताइए कि क्या है वहाँ? नहीं, अभी तो जब हम गए थे तब तो इतना इंडियन फूड वगैरह नहीं था, बट अभी कुछ सालों में वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट मेस वगैरह खुल गए हैं, और ऊपर से कैफ़े हैं बहुत सारे इंडियंस, तो अभी फूड का प्रॉब्लम नहीं है। ग्रोसरी स्टोर्स भी खुल रहे हैं जैसे इंडियन, तो हर चीज़ मिल जाती है वहाँ पे, खाने का अभी इतना दिक्कत नहीं है। और अगर हम यूनिवर्सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, कैंपस, यूनिवर्सिटी कैंपस, वहाँ के एकेडमिक्स, जैसे मेरा यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा था, बहुत बड़ा कैंपस था। इंडियन नॉर्मल इंडियन यूनिवर्सिटी में भी वैसा कैंपस नहीं होता है, तो मतलब यूनिवर्सिटी कैंपस बहुत अच्छा था। टीचर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं वहाँ पे, क्योंकि 12-13 बच्चों का ग्रुप होता है, तो टीचर बहुत अपना पूरा एफर्ट लगा के पढ़ाते हैं, और टीचर को हर बच्चे का नाम याद होता है। बहुत टीचर फ्रेंडली होते हैं, इंडिया की तरह नहीं होते हैं वहाँ पे कि ऐसे खड़ूस टीचर। तो और यूनिवर्सिटी में मतलब हर चीज़ बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, पढ़ाई अच्छा है, ऊपर से कोचिंग वगैरह क्लासेस होती हैं यूनिवर्सिटीज़ में। और समर मतलब विंटर में भी यूनिवर्सिटीज़ का ये है कि ये नहीं है कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी में हीटर वगैरह होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब यूक्रेन में तो सेंट्रलाइज्ड हीटर है, ठंड का कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ रहने के लिए।
ओके तो आप लोगों की जो स्टडी होती है वहाँ ग्रुप में होती है ना? हाँ, ग्रुप, हाँ, ग्रुप तो ग्रुप में मतलब कैसे कितने स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है क्या? ओके वहाँ पे लाइक इंडिया की तरह 100 बच्चों का ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, वहाँ पे 15 बच्चों का ग्रुप होता है और हर ग्रुप की अपनी क्लास होती है, तो उधर 15 बच्चों का ग्रुप टीचर पढ़ाएगा और लाइक हर टीचर को हर बच्चे का नाम अच्छे से याद होगा और अच्छे से पढ़ाता है। तो कई बार कंबाइंड ग्रुप भी होते हैं, लाइक ग्रुप स्टडी, दो ग्रुप्स और एक साथ क्लास होगी, तीन ग्रुप की एक साथ क्लास होगी, तो वो बहुत बेनिफिशियल होता है कि ग्रुप में पढ़ना, कि कम बच्चों को टीचर बहुत अच्छे से पढ़ा पाता है। ओके तो लाइक जैसे आप लोगों की क्लासेस मिस हो जाती हैं, देखिए होती हैं कभी कोई हेल्थ इश्यूज हैं या कुछ भी इशूज हैं और बच्चे क्लासेस मिस करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, मतलब रीवर्क वगैरह क्या वहाँ पे ये सिस्टम है? अगर आपने क्लास मिस कर लिया है तो टीचर आपका वहाँ पे एब्सेंट नहीं लगाएगा, आपका वहाँ पे स्कोर सिस्टम होता है 5 तक, उसमें से टीचर आपको 2 लगा देगा या एब्सेंट कर देगा, उसके बाद आप जाके नेक्स्ट क्लास में रीवर्क कर सकते हैं आराम से। Okay. तो ऐसा कोई इशू नहीं कि आपने आज लाइक उनका टाइम होता है कि इतने टाइम पीरियड में आपको ये रिवर्क करना है दोबारा से, ये नहीं कि आप आज क्लास मिस कर दी तो अब साल बाद जाके बोलेंगे मेरे को वो करना है, नहीं, आपका एक मंथ का टाइम पीरियड है, उसके अंदर अंदर आपको रिवर्क क्लियर करना है। और लाइक जैसे कि जो फैकल्टीज़ हैं वहाँ की, कई मतलब पेरेंट्स के मतलब क्वेरीज होती हैं कि क्या वहाँ उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी होती है कि हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को उनकी इंग्लिश अच्छे से समझ में आए? ऐसा है कि लाइक हर फैकल्टी तो बहुत अच्छी नहीं होती कि इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होती है, बट कई टीचर्स होते हैं ना जो मेन डिपार्टमेंट्स हैं जैसे सर्जरी, गायनॉप्स, वो टीचर बहुत अच्छे, जैसे हमारी एक डर्मा टीचर थी वो इवन इंग्लैंड से पढ़ के आई थी, तो वो ये नहीं है कि उनको इंग्लिश नहीं आता, इंग्लिश का तो इशू नहीं क्योंकि वो पढ़ाई हमें इंग्लिश में रहे हैं तो उनको ऑब्वियसली इंग्लिश आती होगी ना, बट कईयों की बहुत ज़्यादा अच्छी होती है तो कईयों की नॉर्मल होती है। बट तो ओवरऑल अगर आपसे मैं एक रिव्यू जानना चाहूँगा कि यूक्रेन में स्टूडेंट, चाहे हम मेल ले या फीमेल ले, स्पेशली हम फीमेल को लेके चलते हैं, कि अगर स्टूडेंट्स फीमेल स्टूडेंट्स के लिए यूक्रेन कैसा है आपके अकॉर्डिंग, वहाँ का रिव्यू आप कैसे करना चाहेंगी? जैसे मैंने अभी वहाँ 6 ईयर स्पेंड किया MBBS के, तो मेरे रिव्यू बहुत अच्छा है कि यूक्रेन और वहाँ पे कोई लाइक ये रिस्क नहीं है कि इनसिक्योरिटी का कोई क्वेश्चन नहीं है और बहुत अच्छा है लड़कियों के लिए क्योंकि हमें यूक्रेन एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि हम वहाँ पे डॉक्टर बन रहे हैं जो कि इंडिया में हमें नहीं मिल रहा था, तो ओबियसली सिक्योर, बहुत सिक्योर है, अच्छा है, मतलब और अच्छे से लाइफ स्पेंड कर सकते हैं अब 6 ईयर वहाँ पे। और मंथली एक्सपेंस वगैरह का क्या है आप लोग अगर मतलब एक हम एवरेज स्टूडेंट को लेके चलते हैं, एक एवरेज स्टूडेंट है और उसका जो मंथली एक्सपेंस है पॉकेट मनी से लेके फूड तक का, तो मंथली कितना हो जाता है? वो खुद स्टूडेंट पे डिपेंड है कि वो कितना स्पेंड करना चाहता है, बट अगर हम एवरेज स्टूडेंट एवरेज देखें तो 25-20,000 इंडियन करेंसी में हो जाता है, कि मतलब एक एवरेज स्टूडेंट अच्छे से फूड में पॉकेट मनी लाइक आपकी 200-300 300 डॉलर मैक्स टू मैक्स पर मंथ, हाँ जी पर मंथ, जिसमें उसका अगर वो अपार्टमेंट भी आ जाता, फूड भी हो गया और पॉकेट मनी भी हो गया। ओके थैंक यू हरप्रीत, आपसे मतलब बात जो आपने व्यू दिया मुझे बहुत अच्छा लगा, प्लस आई होप गाइस कि आप लोगों के मन में जितनी भी क्वेरीज हो रिलेटेड सिक्योरिटी सेफ्टी या यूक्रेन से MBBS स्टडी के, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोगों के पास कोई भी क्वेरीज है रिलेटेड टू MBBS इन यूक्रेन सिक्योरिटी सेफ्टी से रिलेटेड, या आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं यूक्रेन में किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, हमारी बोजोन मेडिटेक की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।